नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है सभी दोस्तों का। दोस्तों आज देखेंगे एक और नई जानकारी आपके सामने। मुनक्का के बारे में आपको जानकारी देनी है। मुनक्का के ऐसे कौन से फ़ायदे हैं जिनसे आप 5 रोगों से छुटकारा पा सकते हैं और जल्दी से जल्दी आप ठीक हो सकते हैं, उसी के बारे में दोस्तों आज मुनक्का के आज को हम आपको फ़ायदे बताएंगे जिसको सभी लोग शायद नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों कर लें चैनल को सब्सक्राइब जिससे कि आने वाले और भी वीडियो का मैसेज आपको मिलता रहे। साथ में दोस्तों घंटी दबाना ना भूलें। जब तक आप घंटी नहीं दबाएंगे तो दोस्तों जो नए वीडियो हम अपलोड बराबर कर रहे हैं उनका मैसेज आपको नहीं मिल पाएगा, तो आप उस जानकारी से वंचित हो सकते हैं। तो इसलिए हम आपसे बोलते हैं कि आप एक बार घंटी दबाएँ और आने वाले जो वीडियो हैं उनका आप अधिक से अधिक फ़ायदा लें। तो मुनक्का दोस्तों आप सभी जानते हैं, इलायची जो किशमिश होती है उससे बड़ा आकार का मुनक्का होता है, इसको तो सभी जानते हैं, खाते भी हैं। तो इससे क्या क्या फ़ायदा होते हैं वो हम बताएंगे आज 5 रोगों के बारे में, कि मुनक्के से आप 5 रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहला रोग है दोस्तों पुराना बुखार, बसा हुआ बुखार। इसको आपको ख़त्म करने के लिए 10 मुनक्का, 1 अंजीर लेनी है और इनको सुबह भिगो करके आपको रखना है। रात्रि में सोने से पहले मुनक्का और अंजीर को दूध के साथ उबालकर आपको इस्तेमाल करना है। फिर भी दोस्तों आपको दिन में एक बार लेना है और 3-4 दिनों तक इसका सेवन करना है। कितना भी पुराना बसा हुआ दोस्तों बुखार हो आपका ठीक हो जाएगा। ये सरल उपाय है और इससे आप फायदा ले सकते हैं। अब बताते हैं दोस्तों आपको दूसरा रोग है गले की खराश। इसके लिए गले की खराश हो, खांसी हो, गले में खिचखिच हो, बलगम की शिकायत हो, तो उसके लिए आपको जिन लोगों को ऐसी समस्या है, खांसी रहती है, बलगम आता है, ऐसी कोई समस्या होती है, तो उनको सुबह शाम 4-5 मुनक्का खूब चबा चबा करके खाना चाहिए। लेकिन साथ में आप कुछ देर तक पानी नहीं पिए। ऐसा दोस्तों अगर आप 7-8 दिन और 10 दिन अगर करते हैं तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। गले की खिचखिच खराश बिल्कुल बंद हो जाती है। अब चलते हैं तीसरे रोग के बारे में। दोस्तों आप पेट के रोगी हैं, कब्ज के रोगी हैं, बादी के रोगी हैं या पेट साफ आपको नहीं होता है, तो इसमें आपको मुनक्का और सौंफ सोते समय चबा चबा करके उसको निगल जाना चाहिए, जिससे कि ऐसा पर डे अगर आप करेंगे तो आपको पेट में कब्ज की शिकायत नहीं रहेगी, आपका पेट भी खुल के साफ होता रहेगा। और अगली जानकारी दोस्तों हम देते हैं, जो उच्च रक्तचाप के मरीज हैं, हाई बीपी के मरीज हैं, उनको कैसे बीपी को कंट्रोल करना है। तो उनको एक मुनक्का का बीज निकाल करके 1 फांक लहसुन की लेनी है, फिर उसको चबा करके लगातार खाने से आपका जो हाई बीपी है दोस्तों वो एक संतुलित हो जाता है, आपको आराम मिलता है हाई ब्लड प्रेशर में। 1 मुनक्का का बीज और 1 फांक लहसुन की, इसको आपको लेना है चबा चबा करके, तो ब्लड प्रेशर जो हाई होता है उससे भी आपको छुटकारा मिलता रहेगा। अब लास्ट में दोस्तों एक उपाय और हम बताते हैं आपको। अगर आपको पेट साफ नहीं होता है, पेट साफ होने में आपको दिक्कत है, ज़्यादातर आपकी कब्जी रहती है, बादी रहती है, तो उसमें आपको 7-8 मुनक्का लेने हैं, गर्म दूध में उनको डालना है। जब वो फूल जाएं, तो जब आपका दूध ठंडा हो जाता है, हल्का गुनगुना रह जाता है, तो आप मुनक्का को चबाते हुए उस दूध को भी पी लें, जिससे कि आपको खुल करके पेट साफ होने लगता है। तो दोस्तों आपने देखा आपको मुनक्का के द्वारा 5 रोगों से घर बैठे ही छुटकारा पा सकते हैं। ये सरल उपाय हैं और इससे आप फायदा ले सकते हैं। ये समस्याएं दोस्तों हर घर में अक्सर हुआ करती हैं। तो मैं आशा है दोस्तों आपको हमारी जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, साथ में अपने लोगों को शेयर भी करते चलें। सभी को ये समस्या होती है, सभी का भला हो, सभी को जानकारी मिलनी चाहिए। और इसी प्रकार दोस्तों हम बराबर आपको नई नई जानकारियाँ चैनल पर लाते रहते हैं और आगे भी अच्छी जानकारी इसी प्रकार से हम आपको आगे लाते रहेंगे। तो तब तक के लिए सभी दोस्तों को हमारी तरफ से नमस्कार और सभी दोस्तों का आभार जो अधिक से अधिक हमारी चैनल पर वीडियो देख करके फ़ायदा ले रहे हैं। एक बार सभी का विशेष विशेष धन्यवाद।